मुस्कान अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान आपकी तारीफ जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो विजुअल आपके चल रहे हैं, शायद 1 लाख का मजमा होता और वो प्रोटेस्ट करता तो भी वो असर नहीं करता, जो आपका ये जो विजुअल है इसने जो है वो कर दिखाया है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन लोग थे, आप जैसे ही जो है कॉलेज में जा रही हैं या आपका कॉलेज का अहाता है, बाउंड्रीज है मेरे ख्याल से, तो ये क्या हुआ थोड़ा सा बताएं। मैं असाइनमेंट देने के लिए अंदर गई, वो लोग मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि बुरखा काट के तुझे कॉलेज में एंट्री मिलेगा या तो फिर तू घर चले जा वापस। अच्छा। कॉलेज में तुझे राइट नहीं है बुरखा पहन के करके। फिर मैं ऐसे ही डर के अंदर चले भी गई, फिर गाड़ी पार की, फिर जब मैं आ रही थी सब ने एकदम मुझे देखकर चिल्लाने लग गए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और मेरे मुंह पे कुछ वो शॉल लेके ऐसे उड़ा रहे थे, फिर मुझे अटैक करने का मतलब क्राउड बहुत क्राउड थी। फिर मैंने भी नहीं डरे, उनके भी आंखों में आंखें मिला के मैंने भी कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे प्रिंसिपल मेरे लेक्चर सब मुझे सपोर्ट किए प्रोटेक्ट किया, फिर मुझे अंदर लेकर गए। अच्छा अच्छा ये बताइए, जो जो वहाँ पर जो मजमा नजर आ रहा है, जो भगवा रंग के जो यानी शाल या फिर जो कुछ कहें उसको वो डाले हुए अपने गलों में, तो इनमें क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे या फिर आउटसाइडर्स थे? थोड़े बहुत कॉलेज के थे, बाकी सब आउटसाइडर्स थे। मेरा अच्छा। प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह रहा था हिजाब के बारे में, वो लोग आके तंग कर रहे हैं कि तुम अगर हिजाब पहनो तो कॉलेज में अलाउड नहीं है करके। अच्छा अच्छा, ये जो ये कॉलेज की जो बाउंड्रीज नजर आ रही है यहाँ पर, ये पहले ही से मौजूद थे, यानी जो आप आ रही थी गाड़ी पार्क कर रही है वो वीडियो में हम देख रहे हैं, तो क्या ये लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे? मैं करीब 11 o'clock को गई, वो एक घंटा पहले 9:30 से ही उधर खड़े थे सब। अच्छा। मेरे 4-5 लड़कियां भी थे, मेरे सहेलियां वो पहले चले गए, वो अंदर रो के खड़े थे, वो रो लेकर खड़े थे अंदर, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे ही बर्ताव किया उन लोगों ने। अच्छा। प्रोटेस्ट करने के लिए भी नहीं चांस नहीं दे रहे थे। फिर मैंने भी गुस्सा आके चिल्ला दिया। अच्छा मुस्कान, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी ये सिचुएशन है, अभी हम दिन भर सुबह से देख रहे हैं क्या वहाँ पर हालत है, तो क्या यहाँ पर पुलिस को नहीं रखा गया था? हाँ, पुलिस मेरे घर में बहुत प्रोटेक्शन जगह है, पुलिस वाले बड़े बड़े लोग सब मेरे घर में आए। मुस्कान अभी आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कॉलेज में जब इतने लोग वहाँ पर जमा थे और आप ये कह रही हैं कि कॉलेज के कम थे आउटसाइडर ज्यादा थे, यही कह रही हैं ना? हाँ, तो फिर यहाँ पर पुलिस नहीं नजर आई, पुलिस को तैनात नहीं रखा गया यहाँ पर? मैं जब चिल्ला के गई फिर उसके बाद जब पेरेंट्स आए ना तो पुलिस वालों को बुलाया गया, फिर पता नहीं किसने बुलाया, फिर पुलिस वालों ने डंडे लगाए, फिर वापस वो लड़के गए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके वहाँ पर दोस्त भी होंगे और क्लासमेट्स भी होंगे, तो उनमें कोई गैर मुस्लिम भी होंगे, मुसलमान भी होंगे गैर मुस्लिम भी होंगे, तो उनका किस तरह से इस मामले में जो है आपको मतलब सपोर्ट मिला या क्या किस तरह का उनका बिहेव रहा? वो लोग भी हमें सपोर्ट ही कर रहे थे, बोले तुम्हारा रिलीजन ये सालों से चल रहा है, तुम भी तुम्हारे रिलीजन में चलो, हम भी हमारे रिलीजन में चले, ये खुद से सब पैसे भोक रहे करके बोले, वो भी हमारा सपोर्ट ही कर रहे थे। यानी जो आपके वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के पढ़ने वाले हैं, वो सब यानी उनकी बड़ी तादाद ये है कि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आउटसाइडर्स हैं और ये आउटसाइडर्स आकर इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इवन प्रिंसिपल अलाउड किया था कि हिजाब पहनकर अलाउड है, वो कुछ नहीं बोला। ये लोग के इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑरेंज वाला शॉल सब पहन के आए, बोले ये लोग अगर बुरखा पहन के आए तो हम भी ये शॉल पहन के आएंगे, अगर इनको अगर ये नहीं पहन के आए तो हम भी यूनिफॉर्म में कॉलेज को आएंगे। मैं मुस्कान ये जानना चाहूंगा, जब आप आ रही थी कॉलेज की तरफ अंदर दाखिल होने के लिए, तब ये मजमे को आपने देखा, तो क्या आपका आपकी फीलिंग रही, मतलब एक बड़ा क्राउड था, वो कुछ भी हमला कर सकते थे, क्या आप में मतलब एक हमने हिम्मत जो देखी, एक जो जज्बा देखा, एक जो हौसला देखा, वो क्या चीज थी कि आप डट गई? मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि मतलब सब जैसे मेरे कान में सब आके ऐसे बोल रहे हो, सब बोल रहे बुरखा निकालो बुरखा निकालो। हिजाब तो एक प्योरिटी है, हर एक लड़की का एक हिस्सा है,
ये खुशी को निकालने के लिए, जब लड़की इज्जत से आती है उसको इज्जत नहीं मिलती। मुस्कान, यकीनन एक बड़ी तादाद आपको देख रही है और सारा देश आपको देख रहा है। सिर्फ मैं एक मजहब के हवाले से नहीं कहूंगा बल्कि उन ख्वातीन के हवाले से, उन वुमेन्स राइट के लिए जो किसी एक मामले के लिए जो है सड़कें जाम कर देती हैं, कोई एक बात होती है ड्रेस पर अगर कोई सवाल होता है, वो आज हमको नजर नहीं आ रही। मैं जहां तक कह सकता हूं कि वो भी इस चीज को, आप जो कह रही हैं, आपके साथ जो पेश आया वो भी इसको देख रही हैं। तो आपने ये जो काम किया है, हर तरफ से मैं कहूंगा कि इसके इस हवाले से जो है एक हौसला अफजाई और आपकी तारीफ, आपकी सताइश की जा रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आप ने यकीनन उनका डट के मुकाबला किया, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपको एजुकेशन प्यारा है या फिर आपका ये जो स्कार्फ है या फिर ये जो आपका हिजाब है वो है, आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, इस तरह की बातें चल रही हैं। क्या सर? मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, एजुकेशन को अपने पूरा करें, आपको ये आपकी प्रायोरिटी है या फिर ये आपका हिजाब आपके लिए जो है अहमियत रखता है, तो इस पर क्या कहेंगी आप? हिजाब तो सालों से चल रहा है, ये बात तो अभी अभी आई है ना कि हिजाब नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना करके। एजुकेशन भी है, हिजाब भी है, दोनों भी हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा मुस्कान, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, मॉडल इंतजार कर रहे हैं। जी मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि ये जो सिचुएशन पेश आई है, ये जो सूरत हाल इस वक्त जो देखी गई है, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारी आप ही की जैसी जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कुछ कोर्ट से भी रुजू हुई हैं। हाँ, परसों एक कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ, कुछ लड़कियां काट के फिर जाके एग्जाम दी क्योंकि उनको एग्जाम में भी अलाउड ही नहीं कर रहे थे। मैं बोलती हूँ एग्जाम गया तो गया, फिर रीज रख सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं इन लोगों से। ठीक, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आप उन लड़कियों को जो इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रही हैं या फिर जो अदालत से रुजू हुई हैं, उनको क्या कहेंगी? और वो उन ख्वातीन को, उन वुमेन राइट्स के लिए जो काम करने वाली हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो आज हमको नजर नहीं आ रही है इस मामले में जिस तरह से नजर आना चाहिए उनको, तो आप उनको क्या कहेंगी? और अपनी जो कोलिग्स हैं, जो साथी हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? मैं उनको ही बोलूंगी कि डरो नहीं, ये सिर्फ हमें डराते हैं कि मतलब हिजाब करो, आज हिजाब के बाद आई, कल बुर्के पे आएगी, परसों इस्लाम पे आएगी, ऐसे होता रहेगा। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू लाइव देयर लाइफ, तो कोई डिफरेंशिएट नहीं है, वो उनका कल्चर वो फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर हमें फॉलो करने दो। बहुत बहुत जी जी। अच्छा थोड़ी सी एक बात, घर के पास सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, मतलब अच्छा किस आपको तरह इस मामले के बाद आपको सिक्योरिटी, क्योंकि मामला जिस तरह के सिचुएशन हो गई है, जिस तरह के शरपसंद लोग हैं जिन्होंने जो ये सब देख रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी वगैरह फराहम की गई है आपको, आपके घर वालों को? सिक्योरिटी दी है, पुलिस सब है, सब नीचे ही है, घर के पास ही सब अच्छी सिक्योरिटी दी है मुझे। ठीक, शकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज आपने जिन हालात का सामना किया, यकीनन काबिले तकलीद है, और लोग जिस तरह से आपको देख रहे हैं, आप एक आइडियल बन चुकी हैं, आपने जो एक इस तहरीक के अंदर एक जान डाली है, जो आपके ख्यालात हैं, मैं उस ख्यालात की कदर करता हूं। जैसा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी हम उम्र लड़कियों को और इस कौम की बेटियों को जो पैगाम आपने खुद एक यहां पर दर्ज कराया है, जो दिया है, यकीनन वो पूरी बेटियों के लिए, कौम के लिए एक यहां पर काबिले तकलीद अमल बना है, तो क्या आप कौम की बेटियों को या फिर अपने साथ की बहनों को और क्या कहना चाहेंगी जो इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं? जी जी मुस्कान, मैं बोलूंगी वही कि डरना नहीं, आगे बढ़ो, जो होता है अल्लाह के ऊपर छोड़ो, अल्लाह देख लेगा। यकीन, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। बिल्कुल, जो है, जो आपने काम किया है, जो आपने बहादुरी का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाल बन गया है और शायद कई एहतजाजों पर ये भारी बन पड़ गया है, मैं यही कहूंगा। यकीनन एक शेरनी की तरह जो है आपने इनका मुकाबला किया, बहुत बहुत शुक्रिया।